घर पर सुरक्षित रहिए, बैरिस्टर बाबू और कॉलर्स के साथ जुड़े रहिए। तेरे हाथ से शाका भोला छूट गया, उसका दुख मना, टूटे हुए कलम का नहीं, सूखे घाव पर मरहम और औरत के हाथ में कलम अच्छा नहीं लगता। ला मुझे दे, मैं कचरे के ढेर में फेंक देती हूँ। जाने वाला तो चला गया, अब तू भी भूल जाओ उसे। क्या आप अपने भगवान को भूल सकती हो, अपनी जड़ी बूटियां और इन सब को भूल सकती हो? थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। मेरी तो परेशानी यही है कि मैं कुछ नहीं भूल पाती, पर मेरा वादा है तुझसे कि मैं तुझे रॉय चौधरी की हर चीज भुलवा दूंगी। नहीं ठाकुर माँ, जो मेरे सखा बाबू ने सिखाया है मुझे, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो मुझे उड़ान देना चाहते हैं और मैं उड़ूंगी। मालिक, बात हुई? हाँ, गांव वाले बता रहे थे कि ये कोठी दास परिवार की है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये वो अड़ियल ठाकुर माई से बेचने देगी नहीं। आधा सच है बिहारी की बात में, मतलब? बाकी आधी बात यह है कि आज से कई साल पहले कोठी का आधा हिस्सा दास परिवार ने किसी और को बेच दिया था। और काका, आप ये बात कैसे जानते हैं? नहीं, हमें बस पता चला था। जमींदार लोग आपस में कोठियों की जमीनों की बातें होती ही रहती है ना। तो काका, पता लगाइए ना कि किसने इस कोठी का आधा हिस्सा खरीदा। पता लगाना बहुत मुश्किल होगा, और वैसे भी अनिरुद्ध तो क्यों मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना चाहता है? हम यही कृष्णा नगर में कोई दूसरी कोठी खरीद लेंगे। नहीं काका, मेरा यहाँ इसी कोठी में रहना जरूरी है काका। अरे लेकिन तेरे लिए जरूरी है तो बौद्धता की ठाकुर माँ के लिए भी तो यही जरूरी होगा। क्या वो उसे एक भी पल छोड़ेगी? नहीं ना काका, ये सब छोड़िए, पहले आप इस कोठी के मालिक का पता लगाइए, उनसे मिलिए, उनसे कहिए कि हम उनकी कोठी खरीदना चाहते हैं, बस। बाकी बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक 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 है अनिरुद्ध, पता लगवाते हैं कोठी के आधे हिस्से के मालिक का। शुक्रिया काका, शुक्रिया। काका, अगर 1% भी मौका है ना इस कोठी को खरीदने का, तो मैं उसे गवाना नहीं चाहता। तो जरूर उड़ना, जितना चाहे उतना उड़ना, लेकिन सिर्फ ख्यालों में, क्योंकि औरत और घुंघरू की जगह पैरों में होती है। ठीक है, तू रख ले इस कलम को कहीं छुपा के। मेरा वादा है कि एक दिन तू अपने हाथों से इसे फेंकेगी, और उस दिन ये कलम निशानी होगा तेरे सखा बाबू की हार का और मेरी जीत का। बौंदिता, अब दुखी होने से क्या फायदा? मैंने तो पहले ही समझाया था कि यहाँ वही होता है जो ठाकुर माँ चाहती है। टापुर, देखा ना कैसे लौट गए बौंदिता के सखा बाबू। अब मुझे आंखें दिखाने से क्या होगा? कल जैसे जादू से बताशे लाई थी, वैसे ही ले आओ ना अपने सखा बाबू को जादू से। हाँ,
सूरज में भी चमक नहीं है, ना हवा सरसर कर रही है, ना ही पक्षियों की आवाज अच्छी लग रही है। अरे दीदी सुनो तो, इस समय कोई रसगुल्ला भी दे तो मना कर दूं मैं। लेकिन बात तो सुनो मेरी दीदी। कहा ना, मेरा बात करने का मन नहीं है। दीदी सुनो तो, सुन क्यों नहीं रही है? क्या किया टापुर? कलसी गिराई थी ना तूने, सारा पानी गिरा दिया। ठाकुर माँ तो मुझे यही कहेगी ना, थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। बॉन्दिता दीदी, कब से यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। हमारी ये वाली कुटी का हिस्सा खरीद लिया आपके सखा बाबू ने। तो आपके नए पड़ोसी रॉय चौधरियों का स्वागत किया जाएगा या नहीं? तो अब आप मेरे सखा बाबू के साथ साथ पड़ोसी बाबू भी बन गए। हाँ बॉन्दिता, याद है मैंने तुमसे क्या वादा किया था? मैंने कहा था कभी साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। तो अपना वादा कभी तोड़ता है अनिरुद्ध रॉय चौधरी? बॉन्दिता, कानून ने बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म किया, हमारी शादी को तोड़ा, पर हमारे भरोसे को नहीं, जो हमें एक दूसरे पर आज भी है, हमारे रिश्ते को नहीं, जो हमारा एक दूसरे से मन से जुड़ा है। बॉन्दिता, कागज का कोई टुकड़ा तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना जोड़ सकता है ना तोड़ सकता है। हमारा रिश्ता कल भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा है, और हमेशा बॉन्दिता हमेशा जुड़ा रहेगा। थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना सूरज में चमक है, ना हवा सरसर कर रही है, आज तो रसगुल्ला भी खाने का मन नहीं था तुम्हारा दीदी। अरे नहीं मेरी प्यारी चुटकी, अब तो मन कर रहा है कि पूरी हंडिया चट कर जाओ रसगुल्ला की, वो भी चाशनी में डुबो डुबो कर। धन्यवाद सखा बाबू। झूठ कहूँ तो जान ले लो मेरी, घी ना पिया तो क्या जिया, दो चम्मच घी खा के बाद में इसमें तेल मिला दूंगी, कहाँ पता चलेगा सासू माँ को। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और समझती है कि पूरी दुनिया अंधी हो गई। किसने खोली घी की बरनी? ओ सासू माँ, झूठ कहूँ तो जान ले लो मेरी, बरनी का ढक्कन खुला था वही बंद कर रही थी, कहीं घी ना गिर जाए। बरनी के ढक्कन से ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी जीभ पर ढक्कन लगा,
जो औरत कम ना खाए वो सारी उम्र गम खाए। थोड़ी बात थोड़ी लात तभी समझे औरत जान। झूठ कहूँ तो जान ले लो मेरी सासू माँ, चखना तो दूर मैंने तो सूंघा तक नहीं की को। जिसने किया औरत की जीभ पर भरोसा उसने बाद में खुद को ही कोसा। तुझसे ज्यादा तो मैं कमला पे भरोसा करती हूँ। ठाकुर माँ ये मिठाई आई है। किसने भेजी? हमारे नए पड़ोसी है ना उन्होंने भेजी। ठाकुर माँ के सामने कोई भूत भी कूठा नहीं गाड़ सकता। इंसानों की कैसे हिम्मत हो गई और कोठी बिक गई हमें खबर तक ना हुई। वहाँ कोई कैसे आ सकता है, वो कोठी तो हमारी है ना। हमारी नहीं मेरी है, मेरी थी। मौनिता के दादा के गुजरने के बाद पैसों की तंगी की वजह से मैंने कोठी का वो हिस्सा बेच दिया था। बाद में दोबारा खरीदने की बहुत कोशिश की पर चूंकि हमारे घर में औरत का हुक्म चलता है उसने हमें दोबारा नहीं बेची। अब बेची होगी किसी धनवान को। लड्डू तो असली घी में बने हैं, लगता है अच्छी चीजों की पहचान है इन्हें, पर मैं नहीं खाती। मैं खाती हूँ। मैं भी कहाँ खाती हूँ। कमला एक काम कर, ये छुपा के रख देना और नजर रखना इस पर। चोरों को भी ईमानदार चौकीदार चाहिए, छुपाने की जरूरत नहीं, बांट दे बच्चों में। जी ठाकुर माँ, मालूम है हमारे नए पड़ोसी कौन है? वो ही बोंदिता के सखा बाबू। उठा ये सारे लड्डू और फेंक दे कूड़ेदान में, मैं सबको जहर दे दूंगी लेकिन रॉय चौधरी खानदान का अमृत भी चखने नहीं दूंगी किसी को। ये तो कलश का नारियल गिर गया, अपशगुन हो गया। टुपुर मिलावट का व्यापार और अनजाने से व्यवहार हम नहीं करते। पर अनजाने कहाँ हैं हम ठाकुर माँ? कल आप ही ने तो कहा ना काका से कि आप पहले से जानती हैं उन्हें। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी खुशी के लिए दोबारा जान पहचान कर लेते हैं। मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी, आपका नया पड़ोसी ठाकुर। अब पड़ोसी बन गए हैं, जान पहचान हो गई है तो एक दूसरे के घर आना जाना होता रहेगा। क्यों? हमने लड्डू तो नहीं लिए लेकिन फिर भी मुफ्त की सलाह देती हूँ। ये रॉय चौधरियों का तुलसीपुर नहीं है, ये ठाकुर माँ का कृष्णा नगर है। अगर वहां रिश्तेदारी रख लेते तो आज फायदा होता, पर यहां हमारी दुश्मनी
नहीं सह पाओगे। सलाह के लिए शुक्रिया ठाकुमा, पर मैं भी सिर्फ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, मेरी आपसे, आपके इस गांव से कोई बैर नहीं। मैं तुलसीपुर से यहाँ बस एक सपना पूरा करने आया हूँ। और वो सपना है बोंदिता को बारिश्चे बाबू बनाना, है ना सखा बाबू? हाँ बोंदिता। थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। आंगन में सांप और लड़की की आंखों में सपना जहां देखो तुरंत मार दो। एक बार उनकी आंखों में सपने भरने लग गए तो मोतियाबिंद हो जाता है और फिर उन्हें कोई चीज साफ नजर नहीं आती। पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ठाकुमा, साफ साफ दिखाई दे रहा है बोंदिता का सपना और बोंदिता की उड़ान भी। एक मिनट, लीजिए। बदल दिया मैंने अपशगुन को शगुन में। अब बोंदिता का बैरिस्टर बाबू बनने का सपना पूरा होगा। उस सफर की शुभ शुरुआत हो गई ना ठाकुमा? तुम्हारा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तुम्हारा मन का रिश्ता इस खून के रिश्ते के सामने टूट जाएगा। मालिक, इस फूलदान को यहाँ रख दूँ? एक काम कर, वहां रख दे। यहाँ ठीक है ना मालिक? नहीं, एक काम कर, ये फूलदान ना वहां रख दे। अरे जल्दी कदम बढ़ा। अब ठीक है ना मालिक? एक काम कर, तू ये वहां रख दे। मालिक, एक जगह बताई नहीं से कहां रखे? ला ला, हमारे सिर पे रख दे। हाँ ठीक है मालिक। अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? हमारा सिर है कि तेरा घर? कैसे समझाएं? तब समझाएं ना जब हम खुद समझ पाए। जब से बोंदिता बहू रॉय चौधरी घर में आई थी, तब से लगता है हम तो सब घर सजाना जमाना सब कुछ भूल ही गए हैं। कैसे अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से बड़ी बड़ी सजावट कर लिया करती थी। कहते थे ना एक गृहलक्ष्मी घर की बहू ही मकान को घर बना सकती है, घर के कोने कोने में खुशियां फैला सकती है। सही कहा काका आपने, बोंदिता यहाँ होती तो पूरे घर को यूं यूं सजा देती। लेकिन काका, क्या आपको ये नहीं लगता आप अपने घर के बेटे को कम आंख रहे हैं? क्यों, तू बहू वाले काम करेगा? ये बहू वाले काम क्या होते हैं? और मैं कोई भी काम क्यों नहीं कर सकता? आप जानते नहीं, जब मैं और बोंदिता गांव में अकेले रह रहे थे, काफी सारे हुनर सीख लिए थे मैंने भी। और काका, आप यहां आए मेरा साथ देने के लिए, मेरी हिम्मत बनाए रखने के लिए,
क्या यही काफी नहीं है? शुक्रिया काका। और आप चिंता मत कीजिए, पूरे घर को सजा दूंगा बोंदता की तरह। यूं ना सही, यूं 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 बिहारी, फूलदान वहां रखो। वहीं? हाँ वहीं। इस बार तेरे और बोंदता के बीच दीवार बनकर कालिंदी खड़ी है, और हम जानते हैं इस दीवार को लांघना आसान नहीं होगा तेरे और बोंदता के लिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.